नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकवार्ता न्यूज। हमारी खबरें देखने के साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार भाजपा सरकार पर हमला बोलते रहते हैं। ऐसे में उन्होंने फिर से प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा है। अपने जोधपुर दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में सरकार नहीं बल्कि सर्कस चल रहा है। जहां एक मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं तो कोई उन्हें मनाने में लगा हुआ है। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से विफल हो रही है। डेंगू से अधिकारी और आम लोग मर रहे हैं। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें अब दिल्ली आना जाना बंद कर देना चाहिए और प्रदेश की जनता पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने संजीवनी घोटाले पर पूछे गए सवाल पर कहा कि इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना रुख रख दिया है। उन्होंने कहा था कि एसओजी ने हाईकोर्ट में यू टर्न ले लिया है। इसके अलावा अशोक गहलोत ने कहा कि जोधपुर में हमने विश्वविद्यालय खोले लेकिन हमारे सारे काम रोक दिए गए हैं। दिव्यांग यूनिवर्सिटी खोली थी, उसका पता तक नहीं है। हम विपक्ष में हैं, विपक्ष में रहकर भूमिका अदा करेंगे। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर गहलोत ने कहा कि एग्जिट पोल के नतीजे साफ हैं कि एवा फिर से कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते ही राजस्थान वाली योजनाएं लागू की जाएंगी। यहां आपको बता दें कि गहलोत को हरियाणा चुनाव में कांग्रेस का वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया था, जहां उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राजस्थान में लागू की गई योजनाओं को लेकर प्रचार किया था। अब यहां देखने वाली बात होगी कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है या नहीं। हमारी खबर को देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।